नहीं करने मुझे यार, छोड़ो यार कैसे। ये देखो ये क्या आ गई, बैठ के पात के चला गया यार, आओ ही आ गई थी। वेलकम ब्याक टु माई ट्युब च्यानल पिपुल रियाक्सन। आज चाहिँ म एलिजेको ब्लगमा रियाक्सन गर्न जाँदैछु र यहाँ टाइटलमा लेखेको छ स्ट्रेटिङ आइज हेयर गर्न रङ रे के। आइजको चाहिँ एलिजेले चाहिँ स्ट्रेट गरिदिनु लागेको छ अरे हेयर, होइन हजुरहरूले हिजोको लाइफमा देख्नुभएकै होला, उहाँको कपाल स्ट्रेट गर्दाखेरि होइन कति फन्नी भइरहेको त्यहाँनिर अगाडि आइजले त, आइजलाई त हामीले कर्ली हेयरमा देखिरहेको हुन्छ नि त, अनि यसमा चाहिँ पुरै भिडियोमा चाहिँ होइन पुरै हेयर चाहिँ स्ट्रेट गरिदिनु भएको छ अरे एलिजेले, कति चाहिँ फन भएको रहेछ हामी हेर्न जाँदैछौँ। उहाँहरूको मैले ब्लगहरूमा गीतहरूमा रियाक्सन गरेको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा। मलाई चाहिँ एकदम धेरै मनपर्ने जोडी हो अनि उहाँहरूको हरेक भिडियोहरू आउँदाखेरि मैले रियाक्सन गरेको हुन्छु। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ मैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ढिलो नगरिकन यो भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। एभ्रीवन एन्ड वेलकम टु अनदर भिडियो। कैसे आप सब, कैसी तबियत है? तो ये व्लॉग तो नहीं है ऑफकोर्स, आप सबको ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है। तो मेरे पास ये चीज़ें हैं इधर ऑलरेडी मैंने निकाल कर रखी हैं, यही सारी चीज़ मैंने लाइफ में भी इस्तेमाल की थी, लेकिन लाइफ में सिर्फ आयुष के आगे से बाल स्ट्रेट किए थे और प्रॉपर नहीं किए थे, लेकिन इस वीडियो में पूरे उसके बाल स्ट्रेट करके एंड देन स्प्रे लगा के उसको सेट करके दूंगी। एंड लेट्स सी वो कैसा लगता है, उसका बिफोर एंड आफ्टर लुक भी हम लेंगे और आई विल फोर्स हिम टू मेक अ ट्रांजिशन वीडियो, अल्लाह करे बात मान जाए, लेकिन लेट्स सी। हेयर स्प्रे मैं जो है लेकर आ गई हूँ और साथ ही साथ इस्मा का स्ट्रेटनर भी मैं लेकर आ गई हूँ, विच इज़ दिस वन, ये भी बहुत अच्छा है। तो इससे पहले मैं बाल थोड़े से, बिकॉज आयुष के बाल बहुत ज़्यादा कर्ल है क्योंकि वो हेयर ड्रायर नहीं लगाने दे रहा है और हेयर ड्रायर तो बिल्कुल गीले बालों में लगाते, तो इससे वो थोड़े से स्ट्रेट हो जाएंगे एंड देन इससे कहीं वो काफ़ी फ्रिजी हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट तो ये हमारी मॉडल आ चुके हैं, देख सकते हैं आप मॉडल इनके कितने प्यारे बाल हैं। ये कपल राम लग सा हमला सब ले, कैसा लगता आपको, कैसा लगेगा? ओए पागल, हेयर ब्रश है वो, हेयर ब्रश कपल को रियल से के सर पे लगाते, हां तो मेरी ये भी कहीं लिख के ये बाल है, मैं इसको शर्म नहीं आ रही ना। बाल जो है वो काफी फ्रीजी हैं, तो पहले मतलब फ्रीजी यानी मतलब गोल गोल कर ली हैं, बहुत ज्यादा कर ली हैं। तो ये जो ये चीज है ना, ये पहले मैं इससे थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी। इसे स्ट्रेटनर ओके, हाथ मत लगाना, इसे स्ट्रेटनर कैसी इसकी मतलब कि सिंपल है, बहुत सिंपल है जैसे ब्रश। जी 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 जी, तो ये थोड़े से स्ट्रेट आएंगे आएंगे, तो ये अभी नहीं अभी नहीं, अभी मैंने नहीं गर्म किया है, तो ये थोड़ा सा इससे स्ट्रेट हो जाएगा। तो रियल वाला आयरन जो है लगाऊंगी, ठीक है? ये फालतू फालतू चीजों से मेरी बात मत करो, अभी मैं अपने कुछ नहीं होगा। देखो किसकी बात, एक बिफोर आफ्टर भी करना है, तो आप इधर रहो, ठीक है? रुक जाओ सब, ओके 1 2 3 रखो, स्माइल। पर्दा हाल ठीक कर रहे अपना पर्दा, क्योंकि हमारा पर्दा खराब हो चुका है। क्या बोलूं? तो बोलो। So guys, मेरी बालों की ऑपरेशन होने वाली है अभी। बालों के ऑपरेशन। इसमें लोग। ये देखो, डॉक्टर आ गई। मास्क पहन। डॉक्टर। ये नखरे मत करो, ठीक है? ये बाल क्या है? मतलब बाल ही नहीं, जैसे कि लंबी लंबी बाल है, ऐसे कंघी लगा रही है। ये कैसे करते यार इससे? कुछ मत वो करो, तुम कुछ मत करो, मैं कर रही हूँ, रिलैक्स रहो। कस्तो देखिन, कुछ नहीं होगी। ये क्या बना दी, मुर्गी की बात? पता है ये मत करो,
अभी से ही देखो कितना मस्त लग रहे हो तुमने। वो कोरियन कोरियन वो सिंगर्स देखे वो बीटीएस बीटीएस उनकी तरह स्टाइल लगते हो तुम। अरे यार मैं हीरो हूँ यार, मैं मतलब जैसे भी अच्छे लगता हूँ। ए जला दी मेरी सर। तो तुम्हारी सर या मेरा हाथ? हाँ नखरे मत करो मेरी, क्योंकि इधर पीछे तुम्हारे बाल ही नहीं है। अरे बीच में क्या खड्डे है क्या? सनफ्लावर के फूल नहीं हो तुम्हें? आयुष जैसे कि अभी फूल मतलब ग्लो हो रही है सनफ्लावर। देखो ये सनफ्लावर आती है लड़की ने मेरी सर में मतलब। अरे ये तो वो लग रही है, वो क्या बोलते उसको, क्या पाइन एप्पल के ऊपर होते ना ऐसे पाइन एप्पल दिखे। तो लग रहा है yes. आपको कौन सी मांग चाहिए? ये वाली इस तरी, ये वाला मुझे कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप रजिस्टर करो। अय्या मेरी पिंपल फोड़ दी है लड़की ने नाखून से। अभी जा दी थी मेरी गाल एक खींच के। अरे ये तो मतलब जंगली जंगली ये मेरे कान माया में ठीक गर्नु पर्छ हैन आइसले बिचारालाई एक खींच के। अरे बिकज वो बाल काफी छोटे है। ये क्या हो गई यार, अब स्ट्रेट ना लगाएंगे। अरे की इतनी पतली हो गई दिखाओ। मेरी बाल तो इतनी पतली थी नहीं यार पहले। अरे यार छोड़ दे, नहीं करते यार इतनी गर्म कैसे लग रहा है यार मैं। पागल अभी रुक जाओ, अभी हुआ थोड़ी है, अभी तो होगा। तुम जान पूछ के और मुझे बेसुरत दे। तुम बस सिर्फ लग ही नहीं सके तुम इतने हैंडसम। ओके ओके रुक जा अभी। सब है स्ट्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी। ओए पापा झाड़ू का फैब्रिक उतना तो अच्छा तो नहीं लगी यार। अरे अभी हुआ कहाँ है? तो यार कसम से यार मतलब ऐसा करंट लग गया नहीं तुम्हें? करंट लग गया नहीं मतलब वो कोई टमाटर की ऊपर की वो जो पत्तियां होती है ना उसी लग रही है। आयुष अभी हो रहा है क्या तुम इतनी जल्दी? मेरी शकल टमाटर जैसी लग रही है और ऊपर की पत्तियां जो फीजी हुई पत्तियां लग रही है। अभी मैं सेट कर रही हूँ रुक जाओ। ये कौन सी सेट है यार, कोई ऊपर कोई टेढ़ी कोई? क्योंकि आपके बाल इस तरीके से ये देखो यार, ये तो शकल का बूम बूम का पेंसिल जैसे लग चूसा हूँ। आम नहीं करने मुझे यार छोड़ो यार। अरे पानी डाल दो जल्दी रुक जाओ पागल रुको अभी तो रैपरहरु हुन्छ नि कपाल यस्तो परेको बनाउँथे नि त्यस्तै कि हेयर स्टाइल पहिला पहिला मान्छेले गर्थे नि हेयर स्टाइल यस्तै कपाल ठाठाड पार्ने जेलहरू लगाएर कि त्यस्तो देखिरहेछ कितना अच्छा लग रहे हो बिल्कुल डिफरेंट
ऐसा लग रहा है पहला के आई सम लग सा कपल कोऑर्डिनेट करने के लिए आए हूं। ओए तो इतने प्यारे तो लग रहे हो। ए जरा नखरे मत कर, जल्दी से करो। ये क्या बात बना दी यार मेरी, कोई टेढ़ी कोई मेरी बना दी। मतलब दूसरी लड़कियां मतलब अपने बॉयफ्रेंड को हीरो बनाना चाहती है यार। ये लड़की देखो अपने बंदे को कैसी, ये देखो ये क्या आ गई आंख में आके बैठ के आके पर चला गया, बैठ के पात के चला गया यार। आओ भी आ गई थी। ओह माय गॉड, दिखाओ। यू लुक सो डिफरेंट। ओह माय गॉड, आई कांट इवन। एक सेकंड। Oh my God, Kashik banaya apne. Yaar, so different. Okay. Haan. Nice. अगर सिर्फ ऊपर भी रखूंगी ना तो भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन नीचे के बड़े हैं ये। झाड़ू मतलब कहीं साफ साफ कर देता हूँ ऐसे ऐसे करके जमीन में, किसी घर साफ करने तो बोल दो यार, कर देता हूँ साफ। रुको अच्छे से सेट करता हूँ। वाओ, ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सर नीचे रखो, इधर मेरी तरफ देखो। वाओ, नाइस, वेरी नाइस। चलो हो गए खत्म। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बकवास, जैसी थी पहली हुई, मतलब जो ऊपर वाले देता है वही ठीक है। मैं सोचा था कि मैं मतलब क्या सोचा था अभी लाइफ में कि मतलब स्टार्ट करने के बाद और हीरो लगूंगा, उसके बाद मैं टिकटक डालूंगा। कल अब तो क्या डालूंगा, अभी अभी मैं धो के मतलब जैसे मेरी पहली थी वही करूंगा। सो दिस इज द फाइनल लुक। ले क्या फाइनल लुक, कुछ इस तरीके से लग रहा है आयुष स्ट्रेट बालों में। इधर देखो, बिल्कुल एक स्माइल दे दो, बिल्कुल डिफरेंट। बहुत प्यारे लग रहे हो, सही सच में सूट कर रहा है, बट बहुत डिफरेंट लग रहे हो, लाइक आयुष नहीं लग रहे, बहुत ही अलग लग रहा हूँ। नहीं यार आयुष नहीं लग रहे, बहुत डिफरेंट लग रहे। साइड पोज दो, वाला पोज दो, बहुत डिफरेंट। ओके गाइस, और आज मतलब नया इंसान आया है इधर, ठीक है, और मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ इधर से। सो अच्छी लगी हो अब, क्या करो यार, मुझे तो कुछ बोलने भी नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो अब मैं इधर मतलब एंड कर देता हूँ ब्लॉग, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग, होप यू लाइक इट। जस्ट इंटरटेनिंग पर्पज में किया था, ऐसी कोई मतलब सीरियस वीरियस कुछ नहीं, बस ऐसे देखनी थी कि कैसे लगता हूँ। ऐसे भी हीरो लग रहा हूँ, मतलब सेल्फ मोटिवेशन। पता क्या, कौन विवेक ओबेरॉय लग रहे हो? क्या विवेक ओबेरॉय? कौन है? नहीं देखो गाइस, टेल मी इन कमेंट सेक्शंस, ही लुक्स अ बिट लाइक विवेक ओबेरॉय। हल्का हल्का त्यस्तो देखिरहेछ। ओ जाम ब्लग एन्ड गर्नु छ मैले त्यही, अनि यतिको रमाइलोको लागि मात्र यतिको स्पेसिफिक गरेर हेरेको के कस्तो हुन्छ र त्यस्तो के हैन। अनि त्यही हो, थैंक यू सो मच गाइस फर वाचिंग आवर ब्लग। विवेक रे, कौन सा विवेक लग रहा हूँ यार? विवेक ओब्रॉय। तुम जो आए माया का कुरा,
ये तो गुंडा है, गुंडा उसका क्रिस का। देखो 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 किसी भी एंगल से देखो मिल रहा है फर्क है। देखो साइड एंगल से देखो मिल रहा है कहीं से, ये इधर से देखो कैसे मिल रहा है ये। यस अब मेरी शक्ल देखो कितना हीरो में पहले। ओके गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर ब्लॉग। अब हम चलते इधर से ठीक है, एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग एंड कीप वाचिंग आयुजे एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। डिस्को पर 5 लाख सब्सक्राइबर। बाय बाय टेक केयर गुड नाइट बूम। मैले चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गरेँ यो भिडियो, होइन मलाई एकदम धेरै फनी लाग्यो कि। अनि मलाई पनि हेर्न मन लागिरहेको थियो कि आइसलाई चाहिँ हामीले धेरै जस्तो अब कर्ली हेयरमै उहाँको रियल हो त्यो कपाल होइन, त्यो हेयरमै देखिरहेको हुन्छ नि त। अनि अनि आए एलिजेले चाहिँ अनि एलिजालाई पनि हेर्न मन लागेर स्ट्रेट गरेर चाहिँ कस्तो देखिन्छ कपाल भनेर होइन। लुक सुरुमा चाहिँ कस्तो हाँस उठाएको थियो कि कपाल पुरै यता उड्ने होइन, चारैतिरबाट पुरै होइन त्यो रुखहरू फैलिन्छ नि त्यो त्यस्तो देखिरहेको थियो। अनि त्यो टमाटर जस्तो देख टमाटरको त्यो पत्ता जस्तो देखिरहेको थियो, अनि स्याम्पूको प्रचार गर्न लागेको जस्तो देखिरहेको थियो भनेर झन् हाँस उठाएको थिएँ। म त हाल्दा हाँस्दा हाँस्दा मेरो यो गाला हुन्छ नि मेरो त यस्तो दुखिरहेको थियो नि होइन, त्यस्तो गाह्रो भइसकेको थियो कि मलाई हाँस्दा हाँस्दा म कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको थिइनँ कि। अनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय लाग्यो होइन, उहाँको भिडियोहरू मलाई एकदम धेरै मनपर्छ, सधैँ मैले ब्लग गरिरहेको हुन्छु, मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सबै धेरै जस्तो प्रायः उहाँकै भिडियोहरूमा मैले ब्लग गरिरहेको हुन्छु। मलाई चाहिँ एकदम मन पनि जोड्यो, मलाई उहाँहरूसँगै भएको भिडियोहरूमा एकदम हेर्न मन लाग्छ कि भिडियोहरू, अनि त्यही भएर मैले भिडियो गरेको हुन्छु। अनि यसमा पनि त्यही अब इन्जोय गरिरहेको थियो। अनि विवेक ओब्रोय जस्तो देखिरहेको थिएन हल्का हल्का, मैले पनि हेरिरहेको थिएँ नि त पहिला पहिलादेखि, मलाई विवेक ओब्रोय मैले हेरेको छु नि त त्यो हिरोको फिल्म। अनि मलाई चाहिँ लुक्स पनि विवेक ओब्रोय जस्तो पनि लागिरहेको थियो कि, अनि ठ्याक्कै फोटो पनि देखाइदिनु भयो नि त एलिजेले, अनि फोटो पनि देखाउँदाखेरि मलाई ठ्याक्कै हो कि क्या हो भनेर जस्तै हेरेको थियो, ठ्याक्कै विवेक ओब्रोय जस्तै देखिरहेको थियो कि लुक्स। अनि तर ह्यान्डसम त ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, तर हामीलाई मलाई चाहिँ आइसको पहिलाकै के कपाल राम्रो लाग्यो, मलाई चाहिँ पहिलाकै त्यही कर्ली हेर्नै राम्रो लाग्यो। तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन हेयर स्टाइल मन पऱ्यो आइसको, यो स्ट्रेटवाला कि त्यही कर्लीवाला मनपर्छ? मलाई चाहिँ कर्लीवाला राम्रो लाग्छ होइन, त्यही एकदमै हेर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ नि हामीलाई जमिँदै यस्तो आएको हाम्रो प्रकृति के यस्तो केही भन्नुभएको थियो, हामीलाई दिएको कपाल हामीलाई दिएको सौन्दर्य नै हाम्रो रियल हो, राम्रो हो हाम्रो लागि। त्यो धेरै चटक देखाउनु पर्दैन, नाटक गर्नु पर्दैन, मेकअप गर्नु पर्दैन, के भन्नु पर्थ्यो नि त। अनि त्यही त उहाँको रियल कपालले हो, नेचुरल कपालले हो, अनि त्यहीसमै खुसी छु रे कि मलाई यो गर्नुपर्छ, म अहिले गरेर नुहाइहाल्छु भन्नुभएको छ नि त। अनि हामीलाई पनि कपाल त्यही कपाल नै राम्रो लाग्छ आइसको। मलाई चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गरेँ यो भिडियो। हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मेरो रियाक्सन भिडियो, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछु। हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला कुन भिडियोमा रियाक्सन गरौँ भनेर, हजुरहरूले भनेकै भिडियोमा म रियाक्सन ल्याउनेछु। आजको लागि यति नै, बाई बाई।